दीजिए चाचा जी, नहीं तो मैं राज महावा में फांसी लगा करके मर जाऊंगी। ऑर्डर तो भेज दिलवा के रहेंगे, इसमें फांसी लगाने की इसमें क्या बात है? ये ऑर्डर दिला दीजिए चाचा जी। ठीक है, मैं अल्लाह बीता का मैं समझाता हूँ चाचा साहब। हाँ अल्लाह समझा दिए। नहीं हमारे पिताऊ जाएगा तो मेला जाएगा, जाने दो, इसमें उसका लेंसा लगा हुआ है। ओ इसमें बात क्या है, हम भी जा रहे हैं उसके साथ। लगता है दाल में कोई काला है। ये बताइए मर्द औरत हो जाए, औरत मर्द हो जाना चाहिए। जब हमारा देखो अल्हा बेटा हमारे बात नहीं मानेगा। मैं ठीक है, आज तारीख से तुम लोग को कुछ नहीं यहाँ कहने के लिए आएंगे, मैं चलता हूँ। चाचा साहब आपको भी वचन रहेगा। ए महारानी सोना। हाँ स्वामी जी। मेला जाओगी? हाँ मैं मेला जाना चाहती हूँ। कितने दिन के लिए? केवल मुझे एक सप्ताह की मोहलत दीजिए, मैं नंबर हो जाओ बस आ जाऊंगी। ठीक है चाचा साहब। क्या रे और बोल गई मर्द लड़का, क्या हुआ? क्या तारीख, क्या तारीख छे है आज? तारीख से तुम्हें ख्याल ही ना देना है। तारिया कनिया तोर मर दुलार छे लखिन तो तू रवा घर में तोर कनिया हाट बाजार घूमे छे रे। जाने दो तारिया की ये है कलजू। हमर मर्दोनी वाली मौसी केन छे? मौसी संगे कोट मारे करबे करबे। महारानी सेवा। हाँ स्वामी जी। और नंबर रोज राज महापम रहोगी। हाँ स्वामी जी, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगी तो मैं अपने देवर जी को साथ करके जाना चाहता हूँ। अगर रूदर के नाम लिया तो जुबान फेंक दो मैदान में, फेंक दूंगा। मेला का देश तुम्हें ही मिलता है। अगर मैं उस मेला में जाऊंगी मुझे प्यास लगेगा स्वामी जी, मुझे भूख लगेगा, तो मैं किससे पानी मांगूंगी? चाचा जी से जा करके? मंत्री के साथ कर लो। नहीं मैं अपने देवर जी को साथ करके जाना चाहती हूँ। देवर को साथ? हाँ स्वामी जी। चाचा साहब यह आपने बोला कि महारानी सोना का देश मिलना चाहिए, जब वो बोल रही है कि रुदन को साथ कर दो, सही, लेकिन मैं नहीं रिक्स लिख सकता हूँ वाला बेटा। क्या तो रुदन ही बदमाश है, लुटेरा है, उसको कौन रिक्स लेगा? मैं नहीं रिक्स लिख सकता हूँ। ठीक है ए महारानी सोना। हाँ स्वामी जी। तो रुदन की साथ करके जाओगी? हाँ स्वामी जी। ठीक है, वादा करो मुझे साथ कि जैसे तुम्हें साथ रुदन जाएगा। हाँ सही राजभवन में तुम्हें साथ आना चाहिए। स्वामी जी मैं वादा करती हूँ आपके साथ, जैसे मेरे साथ देवर जी जाएंगे मैं वैसे ही लौटा करके आपके पास अवश्य दिखाऊंगी। अगर नहीं आए तो आपको जो मन में आए वो कर सकते हैं। वाह बहुत अच्छा वादा तूने की है, क्योंकि मेरे मन में अभिलाषा है कि मैं अपने देवर जी को साथ करके मिला जाना चाहती हूँ। महारानी सोना एक बार और सोच लो, जिस देश में काल पड़ता है उस देश में एक से एक जादूगिरनी, एक से एक वेश्या बंदारी आती है। इसलिए रुदन की चर्चा छोड़कर किसी मंत्री की साथ कर लो। कोई बात नहीं स्वामी जी, कोई 101 जादू जानती है तो मैं 152 जादू जानती हूँ। मैं अपने देवर जी को साथ करके अवश्य लेकर के जाना चाहती हूँ।
बहुत है। जैसे तूने वादा करती है कि जैसे रुद्र को लेकर जाते हैं इस तरीके से रुद्र को लेकर हम आएंगे तो ठीक है बुला रुद्र सिंह को। समझ गया इसका मतलब तुम्हें ही सभी काम था कि जाओ भैया के पास तुम्हें आदेश देंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। क्यों Thank you.
अंत में राज महता में महारानी सोना को लेकर आना है। ठीक है, आठ रोज का आप छुट्टी दिए हैं महाराज, मैं अपने भाभी सोना को साथ लेकर राज महता किला आपके चरणों के पास हाजिर हो जाऊंगा। उदल एक बात मुझे कहना है, इस मेला में जय देश देश की राजा देश देश की रानी आएगी, देश देश की देश से बंगाली आएगी, सभी की बात की सहन करना होगा। वादा करो तो जाओ, नहीं वादा करो नहीं जाओ। उदय सिंह वो मेला में प्रवेश हो जाएंगे, कोई छात्री आ जाए उधर को ताना मारेगा भैया, तो वो ताना बर्दाश्त करने वाला मैं नहीं हूँ। ऑर्डर नहीं मिलेगा, जाओ जंगल में शिकार करो। अरे देवनंदन को भी देख रहे हैं, खुश रहो देवनंदन, सुनो कैसे रहते हैं राज पैडीगढ़ में। मास्टर साहब, बड़े भाई साहब पिता को सम्मान होता है, उनको बात मैं नहीं करूंगा तो अच्छा बात नहीं हुआ। ठीक है भैया जी, मुझे समझा दिया, किसी को साथ लड़ाई झगड़ा तुमको नहीं करना है तो मैं अपनी भाभी को ले जाता हूँ मेला दिखाने के लिए, किसी को साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करके लौट कर राज महबा किला जाएंगे। देवर जी, किसी से नहीं कोई लड़ाई करना है, क्योंकि मैं स्वामी जी को आपका रिक्स ली हूँ। जाओ स्वामी जी, तुम्हें पतली पतली जो है बदाम, अगर एक रुया रुदल को टूट गया, समझ गई? हाँ स्वामी जी, तो पतली पतली चरसा की फाड़ कर फेंक दूंगा, कागज बना दूंगा। ठीक है भैया जी, आप हम लोग को जाने का ऑर्डर दीजिए, हम लोग चले यहाँ से। ठीक है चाचा साहब, अगर रुदल मेला के अंदर में अगर किसी कोई क्षत्रिय गाली देंगे तो आपको काम है समझाना, समझ गए? ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो और मैं अपने महल जा रहा हूँ। ठीक है सर, प्रणाम सर। सोच रहे हो भैया जी, सोच लिया ना? है स्वामी जी, ये नहीं सोची है, सोच लिया सर। ठीक है, जा सकती हो। हेलो 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 हे